हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी वाला। माय नेम इज सुजीत कुमार। आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है व्हाट इज सोशल स्टडी। सोशल स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें तमाम तरह की इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, बट इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो सो प्लीज नाउ, यानी कि हम एक ऐप्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि जो ऐप्स हमारे लिए हम लोगों के लिए लॉन्च हुआ है, यानी कि उस ऐप्स का नाम क्या है। तो उस ऐप्स का नाम है आईआईटी वाला। तो हम लोग इस ऐप के माध्यम से बहुत सारी तमाम तरह की तैयारी जो भी हमारे जो प्रिपेयर है सभी लोग कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इस ऐप्स को प्ले स्टोर में जाकर और इसे आईआईटी वाला के नाम से सर्च करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैं आप लोग बता दूं कि ये एक अपने आप में बहुत बेस्ट क्वालिटी का फीचर्स है। इसके साथ साथ आप लोग को इसमें से जेई मेंस नीट अदरवाइज और सारे एग्जाम के लिए, ठीक है, यूपीएससी लेवल की का प्रिपेयर के लिए आप लोग इसमें टोटल फ्री टू कास्ट आपको इसमें वीडियो मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस एप्स का आनंद लीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इसको कम्प्लीटली तरीके से उसको कम्प्लीट करिए और इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जो भी इसमें, ये समान लीजिए मैं आप लोग बता दूँ कि इसमें वीडियो उस लेवल का, मतलब जैसे स्मार्ट क्लास से रिलेटेड क्यू का क्वेश्चन या अदरवाइज और जो भी एग्जाम में उसका प्रिपेयर सिविल से लेकर और यूपीएससी लेवल के टाइप्स के भी इसमें क्योंकि आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद इसका पूरा भरपूर आनंद लीजिए। तो आप लोगों के लिए खास तौर से इस वीडियो को बनाया गया है जिससे आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। तो चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ, जो कि आज की क्लास आपके इस टॉपिक पे है जो एसएसटी हमारा है। आज हम बात करेंगे एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी हमारा है क्या, एसएसटी का मतलब होता है क्या, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के मुँह से एसएसटी मतलब हम जानते हैं कि मुझसे एसएसटी का मतलब ये होता है कि सोशल स्टडी, बट इतने में बस इसका सीमित नहीं है, इसका बहुत बड़ा ब्रांच है। तो इसे हम एक किसी सिंगल सब्जेक्ट में या किसी सिंगल चैप्टर में इसको क्लोज नहीं कर पाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा लेंथ देखा जाता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एसएसटी से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, बट हमारा जो पॉइंट्स है जो हेडिंग है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो का आनंद लीजिए और समझिए कि एसएसटी हमारा है क्या। स्टडी आज हम क्या देख रहे हैं कि मतलब हमारा सोशल स्टडी हमारा क्या है। सबसे पहले मैं इसे स्टडी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा और उसके बाद में एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हमें सीखने के लिए और समझने के लिए मिलता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बुक या कॉपी या अदरवाइज और सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है या एनालाइज मतलब क्या नॉलेज एक्वायर करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, यही सारी चीज़ें हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। बट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से सोशल के बारे में, तो सोशल हमारा है क्या, सोशल का मतलब होता है हमारा सोसाइटी, सोशल का मतलब हमारा होता है, अगर सोशल अगर हम बात करें तो सोशल का मतलब होता है सोसाइटी। सोसाइटी मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि इसमें इन्वायरमेंट भी इंक्लूड है और क्या ह्यूमन नेचर भी इंक्लूड है और इसके बाद हमारा मतलब बहुत तमाम तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड देखने को मिलेगा। बट मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड हमारा पूरा जीवन चक्र, ऐसे समझ लीजिए हमारा पूरा जीवन चक्र इस पर डिपेंड है। तो सोशल यानी कि हम और आप लोगों से, आप पूरे वर्ल्ड के एक दूसरे लोगों से क्या हमारा सोसाइटी का निर्माण होता है। बट मैं इस वीडियो को आगे लेकर जाते हुए मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा सोशल स्टडी का मीन्स क्या है। तो चलिए देखते हैं, इट इज स्टडी ऑफ पीपल इन relation, it is study of people in relation
टू टू इच अदर इन द वर्ल्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम है क्या, जैसे आप लोग देख रहे हैं इट इज ए स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू ईच अदर इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि लोगों के बारे में रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना, या पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूँ कि एक दूसरे में जो लोग एक दूसरे में इंक्लूड है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गैदर करना, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये हमारा सृष्टि है, यानी कि सोशल स्टडी है। करीब मतलब हमारा ये है कि ये सृष्टि के बारे में अगर हम बात करें तो सृष्टि बस सिर्फ 9th और 10th तक ही सीमित नहीं रह जाती है, या अदरवाइज आपको एक ही जगह तक सीमित नहीं देखने के लिए मिलती है। इसमें कंडीशन क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि मतलब 9th और 10th कैसे कैसे 9th टू 10th कैसे कैसे कंप्लीट किए, और आप 11th 12th के बारे में सोचते हैं, यानी कि आप लोग देखते हैं ये सृष्टि के अकॉर्डिंग तमाम तरह के सब्जेक्ट आते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे फर्स्ट में आपका हिस्ट्री आता है, इसके बाद आपका ज्योग्राफी, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद पॉलिटिक्स साइंस, तो तमाम इसमें यानी कि क्या चारों सब्जेक्टों को मिक्स करके आपका हिस्ट्री बनता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे उच्च लेवल के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें एसएसटी का कुछ पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि एसएसटी में हमारा क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अगर हम क्या 11th या 12th में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, या क्या हम लोग मतलब कैपिटल मतलब पूंजी के बारे में मैं डिस्कस नहीं करेंगे, तमाम तरह की इसमें भी जो कि जानकारी इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं और समझते हैं एसएसटी का और क्या देखने के लिए मिलता है। एसएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम ब्रांच के नाम से ब्रांच के पर्पज से हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांच इसके क्या क्या है। तो जो भी अभी हम जो भी सब्जेक्टों का नाम बताया है तो सारे ब्रांच के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ब्रांच हमारा क्या है। ब्रांचेस हमारे क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रांचेस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ब्रांचेस को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। क्या होता है, इसमें क्या होता है, अदरवाइज और सब्जेक्टों को मिक्स
इतना सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे भी मैं बात की हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सृष्टि हमारा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो बोरिंग सब्जेक्ट कैसे होता है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं किसी भी चीज़ को अगर कहानी के जैसा या सिक्वेंस वाइज अगर किसी भी चीज़ को स्टडी करूँ तो हमारे लिए बहुत बेटर साबित हो सकता है, बट अगर मैं उसी चीज़ को एक बोरिंग वे में अगर स्टडी करूँ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बातें हो सकती हैं। शायद होना हो उसे हमें पढ़ते मतलब रीड करते समय क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें निधि या झपकी का भी सामना देखना पड़ता है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें तमाम तरह की सुविधाएं आप लोग के लिए, अगर आप लोग कोई भी चीज़ को अगर सही ढंग से और सही वेब में अगर स्टडी करें तो लाइफ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। बट अगर उसी चीज़ को अगर आप लोग अपने आप में उस सुस्ती और आलस के पर्पज से अगर उस चीज़ को रीड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे मन आपका भागेगा ही। चलिए तो हम इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका हिस्ट्री क्या है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो हिस्ट्री का मतलब क्या है, समझ लीजिए स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, समझ आ रहा है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स में क्या क्या हम देखते हैं, जैसे समझ लीजिए कि हम पहले जैसे समझ लीजिए अगर हिस्ट्री को हम तोड़ दें तो हिस्ट्री को किस रूप में तोड़ेंगे, जैसे समझ लीजिए कि स्टोरी अगर इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए तो हिस्ट्री स्टोरी के बारे में डिवाइड कर दिए तो यानी कि स्टोरी के बारे में हम यानी कि मैन के बारे में जो स्टोरी मतलब जानकारी इकट्ठा करना जैसे हम लोग करते हैं, जैसे समझ लीजिए कि ह्यूमन बींग हम लोग पहले थे तो ह्यूमन बींग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट में हम जैसे एप्स थे, एप्स से होमो सेपियंस हुए, तो ये सारी जो प्रोसेस हुआ है यानी कि ये जो ग्रोथ देखने के लिए आपको मिल रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा योगदान है और हमारे सोच के ऊपर ये डिपेंड पड़ता है कि मतलब हम लोग किस कंडीशन से कहाँ से कहाँ आए, तो इसके बीच में कितना स्ट्रगल किए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी सारी तमाम तरह की चीज़ें इसमें ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बारे में अगर बात करें तो ज्योग्राफी को हम लोग तीन भागों में डिवाइड किए हैं, तो तीन भाग इसका क्या क्या है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी और आपका एक जो लास्ट है वो है एनवायरमेंट। तो हमारे बारे में मतलब क्या है फिजिकल ज्योग्राफी का अगर बात बारे में डिस्कस करें तो फिजिकल ज्योग्राफी आपका एक अपने आप में, ठीक है यानी करेंगे मतलब क्या उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ के बारे में स्टडी करना है या किसी प्लेनेट के बारे में स्टडी करना है या किसी स्टार के बारे में स्टडी करना है या किसी और अदरवाइज जो भी हमारे ग्रह सारी चीज़ों के बारे में इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी हमारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। अगर मैं बट बात करूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, इसका डेट रेट कैसे बढ़ रहा है, ठीक है मृत्यु दर में क्या डिफरेंट आ रहा है, ये सारी तमाम तरह की नॉलेज एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें किसमें देखा जा रहा है तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्या कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में इसे इंक्लूड है, कैसे इंक्लूड है, क्योंकि हमारी हमारे जो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट जो हमारा है तो इन्हीं के पर्पज़ से आज हम लोग जो भी चैन की सांसें ले रहे हैं, जो भी अदरवाइज और सारी चीज़ों को पूर्ति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ज्योग्राफी के बारे में समझा और इसके बाद हम डिस्कस इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स हमारा क्या, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करना या रिसोर्सेज करना या उसको एक्सप्लेन करना और सारी चीज़ें इसमें कैसे टुगेदर करना, जैसे मान लीजिए कि किसी भी बैंकिंग या और अदरवाइज चीज़ों के बारे में इसमें इंक्लूड कर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में जो भी होगा तो हमारे किसी अकॉर्डिंग देखा जाएगा, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो पॉलिटिकल साइंस हमारा है क्या, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस हम लोग जैसे मान लीजिए कि इसमें पास्ट ऑफ इवेंट्स जो भी हमारा जो राजतंत्र या जो भी लोकतंत्र के अकॉर्डिंग जो लोग देखते हैं कि कैसे जो भी राजा थे उन लोगों का पैराडाइज क्या था, कितने समय तक कैसे वो लोग राज किए, ठीक है दोस्तों, तो ये सारी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपका पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया और समझाया और इसके बारे में डीपली तरीके से ब्लैक बोर्डिंग करके भी देखेंगे कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, हमारा है हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, इससे पहले हम
जरूर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तमाम तरह की बातें इसमें तो होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जो आपका टॉपिक होगा हिस्ट्री। इंफॉर्मेशन था उसके बारे में हम लोग रीड किए हैं, समझे हैं कि क्या क्या है, कैसे है। तो अब चलिए हम लोग एक एक्चुअली के साथ देखते हैं कि हिस्ट्री हमारा है क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में हम क्या जानते हैं, हिस्ट्री में यानी कि क्या, अगर इसे हम दो भाग में तोड़ दें, यानी कि मतलब ये है हमारा हिस्ट्री पर स्टोरी में तोड़ दें इसको हम, तो दो भागों से हम डिवाइड करते हैं। मतलब ये हिस्ट्री मतलब क्या, मैन। ठीक दोस्तों, मतलब मैन और मैन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है ये सारा हमारा क्या कहलाता है, हिस्ट्री का होता है। बट मैं बात करूंगा अगर इस समाज की, कि मैं हम बात करूं ह्यूमन बीइंग के बारे में, ह्यूमन बीइंग एक तरह से हमारा क्या आया कि नहीं, यानी किसी को हम ह्यूमन की बात, यानी किसी मशीन को, मैं यहां पे मैन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं सभी चीजों के बारे में नॉलेज देना, एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि सारी चीजों के बारे में जानकारी एकत्र करना यहां हिस्ट्री का होता है। बट मैं अगर इसके अलग स्टडी ऑफ पार्टमेंट्स, स्टडी ऑफ पार्टमेंट्स यानी कि मतलब ये जो हमारी बीती हुई जो भी घटना है सारी चीजों के बारे में नॉलेज एक्सेलेसिस करना, ये सारी चीजें क्या होता है हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। बट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि इसके बाद किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं या अदरवाइज, या इसके बाद अदरवाइज हम लोग समाज में किसी भी चीज के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। बट अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हमारा हिस्ट्री यानी कि क्या, अगर हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका हमारा सही नहीं हो तो हमारे पढ़ने के यानी हिस्ट्री पढ़ने या अदरवाइज और सब्जेक्टों को पढ़ने में हमारा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। बट मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि हिस्ट्री को आप लोग को जो भी सब्जेक्ट अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को प्यारा लगता हो प्लीज़ आप लोग उसी वे में या जो आपको माइंड को जिस लैंग्वेज या जिस या मतलब क्या एंटरटेनमेंट से आप लोगों को पढ़ना हो उस पर्पज़ में आप लोग क्या करिए कि सामने हिस्ट्री को कन्वर्ट करिए, ऐसे हिस्ट्री को जो भी इसमें सिलेबस उसको कन्वर्ट करिए, ऑटोमेटिक आपका उसमें मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को कहानी की जैसा लिंकअप करके पढ़िए या उसे सिक्वेंस वाइज पढ़िए। जैसे मैं आप लोग को एक फर्स्ट सिविलाइजेशन बताता हूँ, फर्स्ट वाला सिविलाइजेशन क्या था, सिविलाइजेशन क्या था, समाज की सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे जैसे मान जी की उसमें जैसे मोहनजोदड़ो में जैसे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो मोहनजोदड़ो का खुदाई जो कराया गया उस
समय बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले, जैसे आपका मतलब उसमें प्रमाण के रूप में जैसे मान लीजिए कि चोकर मिला, अग्नि मिला, तमाम तरह की चीजें उसमें देखने के लिए मिला, ठीक है। तो जो कि आज के इवेंट्स से क्या होता था वो मैचिंग करता था, तो बट उसको हम लोग कंपेयर किए कि उसमें कहीं ना कहीं आज का हमारा सिचुएशन भी क्या है, जिंदा है। तो हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि हिस्ट्री में सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देख सकते जैसे मतलब इक्वल बाय इक्वल से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने में कुछ अलग ही हमारा इंटरेस्ट रखेगा। अगर बाय द वे अगर हम लोग किसी कहानी को अपने माइंड से क्या कर रहे हैं कि अपने पर्पज अपने जैसा हम जैसा हमको चाहिए उस पर्पज अगर उसको इंक्लूड करके या एक दूसरे में जोड़ करके अगर हम समझ रहे हैं तो बहुत बेटर से बेटर कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझ में आएगा। तो प्लीज़ हिस्ट्री को आप समझने का प्रयास कीजिए और बहुत ज़्यादा जान, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे डेट्स अदरवाइज और लिखावटें आती हैं, बट अगर इसे हम लोग कहानी की तरफ लिंक करके ज़्यादा स्टडी करें तो बहुत बेटर समझ में हमको आएगा। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है हिस्ट्री में और क्या 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 चीज़ें इसमें, अगर मैं बात करूँ आप लोगों को फादर हिस्ट्री के बारे में, फादर साहब हिस्ट्री की समझा जाता है, फादर साहब हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये है आपका हीरो, हीरो डूडस। हीरो डूडस को क्या मानते हैं, फादर साहब हिस्ट्री माना जाता है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसकी वजह समझ लीजिए कि इसको क्यों वजह समझ लीजिए कि सारी हिस्ट्री के बारे में हमें हम लोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी सब्जेक्ट का फादर क्यों मानते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनता है। जैसे अभी कोई कुछ देख फादर तो है हीरो डूडस को तो मानते हैं, लेकिन बट इसे इसको क्यों मानते हैं, अदरवाइज और सारे व्यक्तियों को क्यों नहीं मानते। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति थे हीरो डूडस ये अपने आप में एक सीक्रेट थे, कहने का मतलब क्या कि ये अपने आप में कैसे बहुत ज़्यादा तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करना, यानी सारे डॉक्यूमेंट को क्या किए कलेक्ट किए। यहाँ पे मैं बात करूँ सारी चीज़ों के बारे में, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी छोटे छोटे जो भी बुक्स थे या और जो भी हिस्ट्री का जो भी रिलेटेड जो भी चीज़ था उसके क्या सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज क्या की इक्वायर किए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कलेक्ट किया है और सारे चीज़ों के बारे में, इसे क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से इसे कलेक्ट करने में हम लोग जो भी मदद होती है इनके बारे में बहुत ज़्यादा तमाम तरह की जानकारी छोटे छोटे पॉइंट्स है छोटे छोटे डेट्स को ये क्या किया कि एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का कार्य इस पर बहुत ज़्यादा हुआ कि इसी के पर्पज से इन्हें क्या पाला आपका उपाधि दिया गया था। ये एक पाला साहब हिस्ट्री के बारे में को भी हम लोग जानते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग एनालिसिस किए थे। क्या था हमारे समझ लीजिए कि हमारा डॉक्यूमेंट्स यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या किए ये सिस्टमेटिक ढंग से
अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी के बारे में, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी हमारा है क्या, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बारे में हम देखते हैं, तो यानी कि करके और एक पूरे तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। इसके बारे में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें यानी कि क्या, तो देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए स्टडी ऑफ पीपल, इसके बाद आपका क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ बाइस मिनट हो गया, यहाँ पे होगा और स्टडी और एंड पीपल। तो अभी आप लोगों ने क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं तमाम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग क्या कर रहे हैं टुगेदर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या इसमें जैसे हम देख रहे थे कि स्टडी ऑफ एंड इटी पीपल, यानी कि क्या जो भी लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं उनके बारे में नॉलेज इंक्वायर करना है, ये सारी चीजें क्या होता है हमारा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं, इसमें वेजिटेशन भी होता है और इसे इसके साथ साथ माइग्रेशन भी इसमें देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में वेजिटेशन और माइग्रेशन ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ का है, तो ज्योग्राफी का है। तो चलिए इसे हम ब्रांच के पर्पस से हम समझेंगे कि इसमें कितना ब्रांच होते हैं, इसमें क्या क्या स्टडी करना होता है। तो इसके तौर से मैं अगर मेन टॉपिक के बारे में बात करूँ, सामाजिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड सबसे फर्स्ट ब्रांच के बारे में बात करिए आपका है फिजिकल ज्योग्राफी, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करिए आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें ये हमारा है एनवायरमेंट्स। तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि इस तीनों तीन भाग से डिवाइड किए हैं इस ज्योग्राफी को, हम लोग समझेंगे कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थ सिस्टम, प्लैनेट सिस्टम या अदरवाइज अर्थ जैसे सोलर पर या ग्रीन सिस्टम के बारे में हम बात करें या एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करें या डिस्ट्रीब्यूट के बारे में, हमारे कहीं हम क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम जैसे मान लीजिए के बारे में डिस्कस करें या और सारी चीज़ों के बारे में जो भी डिस्कस करते हैं, हम इसमें किसके अकॉर्डिंग देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोरोना कार्यकाल के दौर में क्या हुआ था कि लोग एक जगह चलो दूसरे जगह पर क्या हो जाए माइग्रेशन होते हैं, यानी कि ट्रेवल किया था, तो उन सारी चीज़ों को हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, कोई इसका डेटा
हिट रेट नेट रेट कौन से क्यों घट रहा है और इसके साथ साथ इसमें पॉल्यूशन की क्या कमी है, कैसे इसमें उतार चढ़ाव क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीजें और इसके साथ साथ इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। बट अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंट के बारे में तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग तो इसमें हम देखते हैं
विद प्रोडक्शन कंजप्शन। तो यहां पर हम क्या देखें कहीं भी हमारा यानी कि क्या है क्या है एक तरह से एक तरह से हमको डिमांड लोकेशन है। डिमांड लोकेशन मतलब क्या है, जैसे हम लोग किसी भी चीज किसी गुड्स के लिए या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की बारे में जो बात करें तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, हमें इच्छा है कि डिमांड लोकेशन पर सप्लाई लोकेशन से कैसे इंडस्ट्री कैसे यहाँ पे सप्लाई लोकेशन से यानी सप्लाई लोकेशन से और डिमांड लोकेशन के बीच में कैसे किस तरीके से लाया जा रहा है, कहीं भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसपोर्ट का भी इसमें कार्य देखने के लिए मिल रहा है। ये सारी चीजें और इसके बीच में और आपका क्या हो रहा है ये आपका इकोनॉमी समाज की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के बड़े एक इकोनॉमिक्स में क्या बच्चों को आपका बैंकिंग से रिलेटेड चीज नहीं पढ़ना है पूंजीवाद मतलब जैसे अगर इसकी पर में और सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिलता है तो हमारे लिए मतलब ये है कि इसमें बैंकिंग से सिर्फ रिलेटेड चीजें नहीं है, तमाम तरह की इसमें और सारे इंस्टीट्यूट देखने के मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक देखा जाए तो मतलब क्या है, मतलब क्या है इसमें तमाम तरह के पॉलिटिक्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, इसमें कि इसमें जैसे हमारे जो पार्ट्स ऑफ इवेंट्स के जो भी किंगडम रहे या एम्पायर रहे तो उन लोगों के बीच में क्या होता था कि उनका जो पैराडाइज था यानी कि लॉन्ग ऑफ पैराडाइज है कितने समय तक उनका शासन काल कैसे चला, क्या क्या अपने शासन काल में जो भी डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके बाद अगर आज के कंडीशन में हम देखा जाए तो इसमें तमाम तरह की क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट पहले आप स्लाइड में नहीं तो इसमें क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल साइंस होगा जिससे पहले हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि इसमें पावर से रिलेटेड सारी चीज़ों को क्रिएट करना और अदरवाइज और सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज स्टडी करना, जैसे मान लीजिए कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड पावर। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, इसमें हम स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पावर यानी कि मतलब क्या है, इसमें हम आज के जनरेशन से इससे रिलेटेड करें या कल के जनरेशन से रिलेटेड करें। समझ लीजिए आज के गवर्नमेंट से अगर हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं एक छोर पे कहीं देखा जाए तो हमारा कभी देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर हम बात करें अगर समाज की गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक दूसरी चीज के बारे में स्टडी करना है क्या होता है पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने कल क्या देखा कि ये देख रहे हैं कि यानी कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट वाले समाज के विद्यालय कोई विद्यालय में जैसे मान लीजिए जो भी रूल रेगुलेशन है वहाँ का फीस कंडीशन क्या है, अदरवाइज और सारी सुविधाएँ वहाँ का क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है, तो तमाम तरह की चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जिसके पर्पज़ से हम लोग इसमें गवर्नमेंट साइंस यानी पोलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं। बट अगर मैं बात करूँ डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते इट इज द स्टडी ऑफ पिलर यानी कि ये सारी चीजें जो क्या है एक ना एक दूसरे के तख्ते के ऊपर ये इंक्लूड देखने के लिए मिलता है। बट अगर मैं बात करूँ
फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो कि एरिस्टोटल को माना जाता है। तो ये आप लोग क्या क्या देखा कि यानी कि सभी मतलब सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए आए और एक दूसरे के बारे में जानकारियाँ और टुगेदर करके लाए। तो आज का क्लास आप लोग का समथिंग यहीं पे क्लोज होने की कंडीशन में है, बट मैं आप लोग को इस क्लोज पहले आप मैं बता दूँ कि अपने एक दूसरे के बारे में मैनेजिंग क्या है। आप लोग प्लीज अपने लाभ के लिए पर्सनली, क्योंकि आप लोग उसको देखेंगे, आप लोग फ्यूचर से रिलेटेड और सारी चीज़ें उसमें आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिलेगा। बट मैं आप लोग को बता दूँ कि एनसीआईआरटी वाला ऐप को आप लोग इंस्टॉल करिए, ठीक है, और है हर एक जगह पे आप लोग इस वीडियो या इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तमाम तरह की चीज़ों से क्या करिए इसको आगे करिए। आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद उसमें आईआईटी वाला के नाम से आप लोग सर्च करिए और इसमें जो एप्स आ रहा है उस एप्स को क्या करिए आप लोग इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो भी फिल करने के लिए मोबाइल नंबर या अदरवाइज और सारी इन्फॉर्मेशन को उसमें कलेक्ट करने की जो भी जानकारी दे रहा है सबको कलेक्ट करिए और उसमें स्मार्ट क्लासेस से लेकर और जो भी इसमें जेईई मेंस या नीट के लिए जो भी तैयारी इसमें प्रिपेयर कराया जा रहा है उसके बारे में पूरी स्टडी करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास आपका हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेटर गया और इसके साथ साथ आप लोग बच्चे बहुत अच्छे से इसमें इंजॉय भी किए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं स्टार्ट मतलब क्या स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मंथ के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे। तो आज के इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच।